मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे इहतमाम संगारेड्डी में जल्स हालात हाजिरा के उनवान पर एक भारी जल्स आम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से जनरल सेक्रेटरी मजलिस नारायण खेड़ मोहिर पटेल एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जहां मजलिस का उम्मीदवार ना हो वहां बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है। मोहित पटेल ने जिले संगारेड्डी के मुस्लिम अकलियती वोटरों से अपील की है कि वो रियासत तेलंगाना में अमन और खुशहाली बरकरार रखने के लिए बीआरएस के उम्मीदवार के हक में अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, जिनका इम्तियाजी निशान कार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तरक्की और तमाम तबकात की तरक्की सिर्फ और सिर्फ केसीआर से ही मुमकिन है। मोहित पटेल ने इस यकीन का इजहार किया कि मजलिस और बीआरएस के इतिहाद से रियासत में बीआरएस तीसरी मरतबा बरसर इख्तदार आएगी और केसीआर तीसरी बार तेलंगाना के वजीर आला बनेंगे। कारवान एमएलए वो जिला इंचार्ज संगारेड्डी जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब, संगारेड्डी मजलिसी सदर निजामुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी इरफान साहब, हाजरीन जलसा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब देख रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशें कि किस तरह से तेलंगाना में अमन बाकी रहे और मुस्लिम क़यादत मजबूत हो, ज़हीराबाद सदाशिवपेट संगारेड्डी और दीगर इलाकों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे ये सबूत देते हैं कि अखिलियतों की जो सियासत है वो आगे बढ़े और अखिलियतें मजबूत हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच जो है, जहां जहां एमआईएम का कैंडिडेट नहीं है वहां बीआरएस के कैंडिडेट को कामयाब करें, ताकि हम अगले 5 साल जो है उनसे काम ले सके, अपने काम को मनवा सके। और मजलिस की जो क़यादत होती है वो हमेशा से जो हुकूमत होती है उनको मनवा कर अपना काम लेने की होती है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच व फिक्र है कि तेलंगाना में हमारे जो हक में है वो सरकार बनने की, इस पर हर वो मुसलमान को माइनॉरिटी को सोच व फिक्र करने की जरूरत है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले को सारे तेलंगाना के मुसलमान माइनॉरिटीज को लब्बैक कहने की जरूरत है। आज जो कुछ माइनॉरिटीज और मुसलमान ये जो कांग्रेस के पास जाने की बात कर रहे हैं, वहां से लौटकर मजलिस के कहने को मानने की जरूरत है, क्योंकि जब जब भी अखिलियतों पर, जब जब भी मुसलमानों पर कोई परेशानी आती है तो लब्बैक कहकर उठने वाला, आवाज करने वाला खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये जो कुर्बानियां हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, हम ऐसा 10 इलेक्शन भी मजलिस के हक में और देंगे तो भी हम पूरे नहीं कर सकते। ये जो कुर्बानियां है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, कोई मसले हो, मुंबई जयपुर जो ट्रेन हादसे में हलाक किया गया, जो हैदराबाद के ताल्लुक से रहने वाले थे, वो बहन जो हमारी बेवा हो गई थी उनको डबल बेडरूम फ्लैट दिया गया, गवर्नमेंट जॉब दी गई, काश हो अगर वो हमारी बहन भी होती तो हमें इस तरह से सोचने की जरूरत है। जहां के राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी लोग हलाक हुए लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। यह खयादत को समझने की जरूरत है, यह खयादत का साथ देने की जरूरत है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले को लब्बैक कहने की जरूरत है।